हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। फ्रेंड्स, आज जो है नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन हमें माता कुसमांडा देवी की पूजा करनी है। माता कुसमांडा देवी बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा दिव्यमान हो रही हैं। जो उनकी मुस्कान है वह सबको मोहित करने वाली है। मान्यता है कि जब इस सृष्टि में पूरे तरह से अंधकार था, ये दुनिया नहीं बनी थी, तो माता की इस मंद मंद मुस्कान के कारण से ही प्रकृति का जन्म हुआ और से यह दुनिया धीरे धीरे से निर्मित हुई है। तो माता जो है बहुत ही कृपालु हैं और आज के दिन माता को हमें कुम्हड़े का भोग लगाना है, यानी कि कुसमांडा का अर्थ ही होता है कुम्हड़ा, उसका मतलब भोग लगाना है। और इसके ही साथ साथ मालपुए का भोग लगाना है और मालपुए में हमें सौंफ, इलायची और मिश्री डाल करके मालपुआ बनाना है और से उसका भोग लगाना है। इससे माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं हमारे ऊपर। और जो माता का प्रिय पुष्प है वह है सफ़ेद रंग का चमेली का फूल। तो सफ़ेद रंग का चमेली का फूल जो होता है वही माता को अर्पित करना है। और अगर नहीं मिल पाए तो जो लाल रंग का गुड़हल का फूल होता है वह भी माता को बहुत प्रिय है, हम वह भी अर्पित कर सकते हैं। और से माता को जो पूजा करते समय भक्त हैं वह नारंगी कलर के या कि फिर हरे रंग के वस्त्र पहन करके पूजा करें, तो माता की असीम कृपा हम सभी को प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है पूजा करते समय या व्रत करते समय, या जैसे कि हमने अखंड दीप प्रज्वलित किया हुआ है और हमारा गलती से हम उसमें घी या तेल डालना भूल गए, वह बुझ जाता है, तो उस समय हमें माता से अपने गलती के लिए अवश्य ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्योंकि कोई भी गलती जाने अनजाने हमसे हो ही जाती है, हम लोग मनुष्य हैं, कोई भगवान तो है नहीं, सबसे गलतियाँ होती हैं। तो उसका एक निवारण है कि हम पूजा करते समय माता से सच्चे मन से अपनी जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। तो जो क्षमा मांगते हैं हम जब माता से, तो वह किस तरह से मांगते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। आवाहनम न जानामी, न जानामी विसर्जनम, पूज्यां चैव न जानामी क्षम्यतां परमेश्वरीं, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरीं, यत्र पूज्यतम मया देवी परिपूर्णं तदस्तुमेत, अपराधे सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशंभुम्या, दाशोमिति मामित्वं क्षमस्वं परमेश्वरीं। और से जो माता की प्रिय स्तुति है वह आज के दिन यह है। या देवी सर्वभूतेषु कुसमांडा देवी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरह से माता की स्तुति करनी है। और जो भी हम पाठ करते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना ही चाहिए, हम सभी करते ही होंगे, आप सभी भी करते होंगे। तो ये सब करके और जो व्रत करते हैं वो तो जानते हैं कि इसमें कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि अगर व्रत कर रहे हैं हम तो सच्चे मन श्रद्धा से तो करना ही है। इसके साथ साथ कुछ नियम है, जैसे कि संयम रखना और से क्रोध न करना, काम क्रोध मद लोभ मोह इन सभी चीज़ों का त्याग करना है, आलस्य का त्याग करना है। और से कहते हैं जब देवी जी का व्रत करते हैं हम तो हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में भी हमें उनके मंत्रों का जप करना चाहिए या कि फिर जो भी उनके पाठ होते हैं वो करनी चाहिए, भजन कर सकते हैं हम। सबसे अच्छा दिन में जागने का, जैसे कभी कभी आलस्य भी आने लगता है दिन में, तो हम लोग भजन कर सकते हैं और भजन करके भी माता को बहुत खुश किया जा सकता है। तो इस तरह से आज के दिन हमें माता को खुश करना है और से उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी कि माता को हमें किस प्रकार से मनाना है, उन्हें किस चीज़ का भोग लगाना है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि माता को आज के दिन हमें कुम्हड़े का भोग लगाना है और से मालपुआ में, मालपुआ बनाने के लिए हमें मिश्री, सौंफ और से हरी वाली जो इलायची होती है उसका प्रयोग करना है, या कि फिर हम मिश्री इलायची और से जो हरी वाली जो इलायची होती है उसका प्रयोग करना है, और सौंफ इन तीनों चीज़ों का मिला के अलग से भी भोग लगा सकते हैं या कि जो मालपुए में उसमें भी डाल के लगा सकते हैं। और मालपुआ तो अर्पित करना ही करना है। इसके साथ साथ चमेली का जो सफ़ेद रंग का फूल आता है, चमेली का जो सफ़ेद रंग का फूल आता है वह अर्पित करना है।
और अगर वह नहीं मिल पाता है तो उसके स्थान पर हम गुड़हल का जो लाल फूल होता है उसे भी अर्पित कर सकते हैं। और से जो प्रिय रंग है माता का वह है नारंगी या कि हरा रंग, तो इनको पहन के इन मतलब रंगों की वस्त्र पहन करके हमें माता की पूजा अर्चना करनी है और सच्चे मन से करना है, सच्चे श्रद्धा से करनी है। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद कर रही हूँ। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। और से अभी जो नई वीडियो है उसको मैं फिर से लेके आऊँगी आपके सामने, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। जय माता दी।